हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और अभी बस मैं सारा काम मेरा हो गया है, मैं जा रही हूँ फटाफट से लंच बनाने। दोपहर का सारा काम ना आज बहुत टाइम लग गया, क्योंकि है ना आज है थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग भी करी घर की और वहाँ का एरिया साफ़ किया। आम के पेड़ का बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, पत्ते ही पत्ते वहाँ पर है ना बहुत इकट्ठे हो गए थे, तो उनको मैंने हटाए। किचन भी साफ करे, ऐसे खड़े होकर इधर पे दिखाओ ना तो दोनों चीज़ दिख, ये वाला रूम भी दिख जाता है और किचन भी दिख जाती है दोनों। तो मेरा सारा काम हो गया है और अब बस यहाँ पर मैंने चीज़ें निकाल के रखी है, आज जो बनाना है फटाफट से तो बनाती हूँ, क्योंकि लंच का भी टाइम होने वाला है और 11 बज गया सुबह के। अभी किसी ने है ना कुछ भी ना नाश्ता किया है ना कुछ भी। कार्तिक की आज एग्जाम की छुट्टी है, कल था एग्ज़ाम तो आज छुट्टी है, तो वो बढ़िया खेल रहा है और हस्बैंड भी। बस एक आध घंटे में मेरा सारा जो है ना खाना वो बन के तैयार हो जाएगा, तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन एकदम साफ़ सुथरी, एकदम बिल्कुल मैंने बढ़िया से साफ़ सफ़ाई की ना। और जिस दिन साफ़ सफ़ाई करो और किचन साफ़ करो ना, तो बहुत अच्छा लगता है मन को ना, बहुत सुकून मिलता है, और ऐसा लगता है जैसे कि सारा घर ही साफ़ हो गया हो। तो देखने में आप लोग देख रहे होंगे कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो चलिए फटाफट से ना चीज़ें निकाल लेते हैं, और आज भी बस कुछ ऐसा ही बन रहा है इन लोगों की फरमाइश पर ही, और दिन ब दिन इन लोगों की फरमाइशें जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। बट कोई नहीं, ऐसी फरमाइशें तो अगर रोज़ भी बोलेंगे ना तो मैं बड़ी खुशी से बना दूंगी रोज़ रोज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम से कम ये है कि चलो बोलते हैं, वरना मुश्किल हो जाता है इनको है ना, मना मना कर मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर देती हूँ ना तो नहीं खाते। तो ना बहुत दिनों से मैंने बंद कर दी थी, मैंने मेरा मन ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने कहा अब मैं नहीं बनाऊँगी। जब कोई नहीं खाता ना, मुझे अकेले खाना पड़ता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि फिर चलो कोई नहीं, बात में समझ में आया, पर आया तो सही और सबको पसंद आने लगा, और खुद ही बोलते हैं ना आप तो फिर अच्छा लगता है। तो चलो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा काम करने में तो मुझे मौका चाहिए कि हाँ चलो ये लोग बोलें, कब बोलें और कब मैं बनाऊँ। तो बस मैंने यहाँ पर ना देखिए, मुझे ये जब भी है ना इडली बनाना होता है ना, तो मुझे इस तरीके से इसको खाली करके रख करना पड़ता है। क्या करती हूँ, ये है ना एकदम डब्बे के टाइप में भी है ना ये वाला कुकर इडली का, तो इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें भर के रख देती हूँ, जैसे कि अभी रखा हुआ था। तो फिर मैंने वो हटाया, और ये प्लेटें जो है ना इसकी इडली की, वो ऐसे ही बर्तन स्टैंड में टंगा देती हूँ, तो इसलिए मुझे है ना मैं खाली कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी बना के, और फिर उसके बाद इसको जैसे ही रख दूँगी। वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता है ये चीज़ें भी, मतलब हफ्ते में ऐसे, मतलब मूड के हिसाब से है, ऐसा कोई मैं मतलब वो नहीं कह रही हूँ कि हाँ रोज़ रोज़ डेली बन रही हैं या हफ्ते में बन रही हैं, कुछ इसका पक्का नहीं होता है। जब किसी ने बोला तभी मैं बना देती हूँ। तो इसीलिए ना ये कुकर वगैरह है ना ये डेली यूज नहीं होते हैं, जब चाहिए होती है तभी मैं इनको निकालती हूँ ऐसे, तो फिर वो रख देती हूँ बंद करके। और यहाँ देखिए बैटर वगैरह तैयार कर लिया था, और इस बार कम ही किया था क्योंकि सिर्फ इडली बस बनानी थी, और फिर बच जाता है ना, तो फिर मतलब थोड़ा ही बहुत बच पाता है, तो उसका फिर मैं उत्पम बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने अच्छे से पहले उसको फेंट लिया था, और थोड़ा सा मुझे पानी की ज़रूरत थी तो मैंने उसमें डाल दिया था। और इडली यहाँ पर मैंने बनने रख दी है, इडली थोड़ी ज़्यादा ही बनेगी क्योंकि इसी का खाना होने वाला है आज भी लंच, तो थोड़ी ज़्यादा ही करके बनेगी, तो इसीलिए मैंने एक पारी की पहले इडली जो है ना वो चढ़ा दी है पकने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर सांभर बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ, तो सांभर में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो दाल है ना वो लेफ़्ट ओवर दाल रखी हुई है रात की, उसी दाल से मैं सांभर बनाने वाली हूँ। काफ़ी सारी बच गई थी क्योंकि कुछ और चीज़ बन जाती है ना, तो मेरे घर में ऐसा ही रहता है कि अगर दाल लाल कुछ बना है तो फिर सब्जी वगैरह या फिर मतलब कुछ बताते नहीं हैं, अपने मन से कुछ भी ले आते हैं हस्बैंड, तो फिर वो बन गया था, इस वजह से दाल जो है ना बच गई थी। तो इसीलिए मैं वही दाल का यूज करूँगी, और काफ़ी सारी दाल थी। तो फिर यहाँ पर मैंने देखिए सिर्फ एक लौकी ली है, और ये बड़े वाली साइज़ की लौकी थी,
तो लौकी की सब्ज़ी तो मैं बनाऊंगी जैसे सब्ज़ी बनती है वैसे ही बनाऊंगी, ताकि ये जो लौकी की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी ना तो इसमें ना थोड़ा सा मैं निकाल भी लूंगी खाने के लिए, इसीलिए मैं एक साथ ही बना रही हूँ। तो 2-in-1 वाला काम हो जाएगा मेरे लिए, सब्ज़ी भी निकाल लूँगी और इसी में मैं सांभर जो है ना वो बना लूँगी। 2-in-1 नहीं, मतलब एक रेसिपी से 3 रेसिपी तैयार हो जाएंगी। इसी में मैं सांभर भी बनाऊँगी, इसी से थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल लूँगी, इसी से थोड़ी सी दाल भी निकाल लूँगी। तो लौकी वाली दाल भी हो जाएगी, सांभर बनाऊंगी तो सांभर मसाला डाल दूंगी तो वो सांभर हो जाएगा। सबका जो टेस्ट है ना वो अलग अलग होने वाला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक सा लगेगा। और सांभर का टेस्ट है तो पता ही है आप लोगों को, बिल्कुल अलग लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा इमली वगैरह डालूँगी, खट्टापन रहता है ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए थोड़ी सी पक गई थी तो लौकी जो है, और मैंने इसमें खूब सारे टमाटर भी डाल दिए हैं और साथ के साथ हरा धनिया भी डाल दिया है। अब इसमें मैं हल्का सा पानी डाल के और सीटी लगा दूंगी, तो 1 सीटी में हमारी लौकी बनके तैयार हो जाएगी। जब तक लौकी बन रही है तब तक मैं यहाँ पर देखिए मेरे एक पहाड़ी के इडली जो है ना बनके तैयार हो गए हैं, और इनको मैं अभी निकाल लेती हूँ। और बहुत अच्छी एकदम फ्लफी बहुत अच्छी बनके तैयार हुई थी, तो मैंने इनको हल्का हल्का सा गीला कर लिया था ताकि ये जल्दी से निकल जाएं, और बहुत आसानी से ये निकल जाती हैं और अच्छी बनती हैं। तो मैंने इनको है ना सीधे नल के पास ले जाकर और इनको थोड़ा थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा हल्का सा वो कर लिया था ताकि ठंडी सी हो जाए, तो जल्दी से मैं दोबारा जो है ना दूसरी बारी रख सकूं। और चावल यहाँ पर ना बस मुझे चावल बस बनाना रह जाएगा, वैसे मतलब मैं इसलिए भी बना लेती हूँ क्योंकि शाम को टाइम है ना, मतलब किसी कोई पक्का नहीं होता है। वैसे खाने के लिए तो बोल दिए हैं कि इडली सांभर का ही खाना नाश्ता सब होने वाला है, तो फिर भी मैं बना लेती हूँ कि ताकि है ना अगर किसी को दाल चावल खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक तोड़ कर दिखा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कैमरे में ना अच्छे से एकदम क्लियरली ना बिल्कुल साफ सा दिखाई नहीं देता है जब भी मैं दिखाती हूँ ठीक से। तो एकदम सामने करो ना, बहुत पास में लाओ चीज़ों को तो एकदम वो हो जाती हैं धुंधली सी, तो मुझे ना बड़ी गुस्सा आती है पता नहीं क्यों, ठीक से नहीं दिखाई देता। इतनी अच्छी फुली फुली सॉफ्ट सी इडली बन के तैयार हुई हैं, तो बस ये एक पारी की बन गई हैं, एक पारी की और बना लूँगी, इतनी हमारे लिए परफेक्ट है बहुत है। तो अभी लंच में ये हो जाएंगी, तो बस यहाँ पर मैंने हल्का हल्का सा थोड़ा सा और इसमें तेल लगाया था इन जो कटोरियाँ हैं ना इडली की, इसमें मैंने क्योंकि इससे क्या होता है चिपकती भी नहीं है और बहुत अच्छे से निकल जाती हैं, तो ये दूसरी पारी की भी मैं रख दे रही हूँ। कुकर में सीटी भी आ गई है तो मैंने उसको है ना यहाँ उतार के रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए, तो मैं सब्जी उससे निकाल लूँगी और फिर सांभर जो है ना वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सांभर सॉरी जो लौकी है ना बन गई है, कितनी अच्छी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दी है, तो ये थोड़ी सी तरी सी टाइप में बन गई थी और थोड़ी सी मैंने अपने लिए निकाल ली है, स्किप हो गया, एक कटोरी निकाल ली, मतलब वो वाला जो क्लिप है ना वो देखिए सामने रखी एक कटोरी लौकी वो मैंने निकाल ली है, और उसमें मैंने बाकी में दाल डाल दिया है। और दाल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, एडजस्ट कर दिया है, और अभी मैंने उसको दोबारा फिर 1 सीटी लगा दी है। तो सीटी लगाने के बाद अब मैं निकाल दूंगी दाल और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी सांभर वाला तड़का। तो इस बार 3 चीज़ एक साथ बन एक ही चीज़ में बननी थी 3-in-1 में, तो इसीलिए मैंने सांभर वाला तड़का नहीं लगाया था क्योंकि फिर लौकी उतनी अच्छी नहीं सब्जी नहीं लगती, तो थोड़ा अलग ही टेस्ट होना चाहिए था, इसीलिए फिर मैंने सिर्फ सांभर का जो तड़का है ना वो एक ही अलग रखा है, बाकी दाल और लौकी तो बन गई है। तो हाँ ये देखिए ये मेरी इडली अभी है ना जो बन गई है, मैंने छोटा बर्तन लिया और इसमें ये समा नहीं रही है, बन नहीं रही थी, तो ये हमारी इडली बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैं बस छोटा सा एक ये छोटी वाली गंजी ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसमें राई जीरा थोड़ा सा सौंफ और ये
कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। और सांभर मसाला मैंने एक छोटे से कप में 1 से 1.5 चम्मच सांभर मसाला भिगो दिया था, थोड़ा सा गीला कर दिया था ताकि मसाला जले ना, क्योंकि अब इसमें डालूंगी ना ये इस तरीके से तो अच्छा टेस्ट आएगा। और इसी के साथ मैं इमली का पानी भी डाल दूंगी, मतलब लास्ट में डालूंगी। ये देखिए मैंने एक कटोरे दाल ना इसके लिए निकाल ली थी। सांभर थोड़ा सा पतला बनाओ ना तो अच्छा लगता है, और पतला ही अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि वो इडली में जाने के बाद ना सोख लेता है ना, तो फिर वो गाढ़ी हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर देखिए मेरा सारा खाना एकदम रेडी हो गया, इडली बन गई है, सब्जी भी बन गई, दाल चावल भी बन गया थोड़ा थोड़ा सा। तो आज मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं और सारा खाना ले जाकर मैं हॉल में रख ले रही हूँ, क्योंकि हम वहीं बैठकर खाएंगे, सब लोग साथ में खाते हैं ना तो वहीं रख लेते हैं हम एक साथ। और जब तक कार्तिक आ नहीं जाता है, मेरे हस्बैंड खाना भी नहीं खाते हैं, उसके लिए बैठे रहते हैं, मतलब यही सुबह वाले टाइम में ट्यूशन वाले और स्कूल वाले, जब भी मतलब स्कूल से भी नहीं आ जाता ना तो वैसे ही करते हैं। तो यही मतलब ऐसा रहता है, फैमिली साथ में हो ना तो अच्छा लगता है, खाना पीना खाने में भी और अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं लगे हाथ, मैंने सोचा जब तक अभी ये लोग आए नहीं हैं, आने में भी 5-10 मिनट हैं, तब तक मैं अपना गैस एस और यहाँ किचन है ना साफ़ सुथरी करके और बस यहाँ का भी काम है ना ख़त्म कर ले रही हूँ। तो काम ज़्यादा नहीं रहेगा, काम वैसे हो चुका था, अब सिर पर रह जाएंगे खाने के बर्तन सारे, और वो मैं शाम को धुलूँगी, क्योंकि अभी दोपहर में चाय वगैरह बनेगी, फिर शाम को इवनिंग में थोड़ा बहुत नाश्ता होगा, ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड आ गए थे और वो कह रहे थे उनके एक दोस्त है ना उनके लिए भी पैक कर दो, तो वो ना कुछ जब स्पेशल इस तरीके से बनता है ना तो वो ज़रूर से ले जाते हैं। तो देखिए मैं उनके लिए 2 इडली उनने बोले रख दीजिए, तो मैं यहाँ पर 2 इडली रख दी, थोड़ा सा सांभर इसमें डाल दूँगी और बस ये ले जा लेंगे, कह रहे थे बस 2 मिनट में दे के और आ जा रहा हूँ। तो ये उनके लिए पैक कर दिया है और यहाँ पर मैं कार्तिक के लिए निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले कार्तिक को दे दे रही हूँ, आ गया है कार्तिक और मेरे हस्बैंड दे के आ रहे हैं, फिर हम लोग साथ में खाएंगे। तो ये रहा आज का हमारा सिंपल सा बहुत ही यमी वाला ब्रेकफास्ट और लंच जो भी कह लें, क्योंकि साथ में ही बना सब कुछ, तो खाना हम लोग खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।